डायमंड ओपन एक्सेस जर्नल्स क्या हैं एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द जर्नल टू बी डायमंड ओपन एक्सेस जर्नल तो वो पॉइंट आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो और रिसर्चर्स इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट टू द टाइप्स ऑफ द ओपन एक्सेस जर्नल यू मस्ट वॉच दिस वीडियो लेट अस सी जो कंडीशंस हैं फॉर द ओपन एक्सेस जर्नल फर्स्ट पॉइंट इज़ रिलेटेड टू द Uh, budapest open access initiative that was taken into the 2002 and uh, according to these they define open access journal ki jo copyright hoga that would be of the author and uh, they will publish the article uh, with uh, cc by license so this condition basically was made for the publisher and uh, one journal basically have to take uh, all, the, all these two But in addition to these बट इन one more important point that was about to the sustainability if the journal basically get starts and एंड वो सस्टेन नहीं हो पाता है इन दैट केस तो जो ऑथर है वो अपने आर्टिकल को कैसे ढूंढ पाए राइट तो वहाँ आर्टिकल प्रिजर्वेशन का एक पॉइंट और डिस्कस किया गया कि जो आर्टिकल है दैट शुड preserved प्रिजर्व इन repositories. तो वो रिपोजिटरीज हैं क्लोक्स है लोक्स है, लोक है पीके पी के पी पी एन का है और पोत्री को है तो इस तरीके से ये जो रिपोजिटरीज हैं ये आर्टिकल को प्रिजर्व करती हैं इन केस अगर जर्नल सट डाउन हो जाता है इन बिटवीन तो ये एक मेजर एक इनिशिएटिव था फॉर दी रिसर्च एंड रिसर्च इज़ एक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड जो किसी एक हिडन पार्ट है उसको उसकी सक्सेसिव जो अप्रोच है उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो टू दी एजुकेटेड सोसाइटी जो एक सोच कम्युनिटी है उस तक रिसर्च कम्युनिटी है उस तक वो इजीली कन्वे हो जाए तो यहाँ दो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आई विल डिस्कस वन इज द कॉपीराइट एंड सेकेंड थिंग इज अबाउट टू दी लाइसेंस इट इज़ मस्ट टू नो ऑल द रिसर्चर्स बिकॉज दीज आर टू टेक्निकल फीचर्स और जब हम लोग किसी भी जर्नल को डिफाइन करते हैं तो कॉपी राइट राइट नाउ आई एम स्पीकिंग इन द दर्स्पेक्टिव ऑफ द इंडियन रिसर्चर सो वन इज़ द राइट एक्ट ऑफ आवर नाइन ऑफ नाइनटीन फिफ्टी सेवन का जो है और यहाँ जब कॉपीराइट राइट हम किसी भी कंटेंट का हम जो बात कर रहे हैं वो लिटरेरी वर्क की बात कर रहे हैं तो जो रिसर्च आर्टिकल है या बुक है जब मैं उसका कॉपी राइट ऑनर हूँ तो आई हैव दी अथॉरिटी बेसिकली काइंड ऑफ अथॉरिटी कि मैं क्या काम कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ और अगर सेकेंड पर्सन उसको करेगा तो उसको उसके अगेंस्ट जो है वो एक लीगल एक्शन हम लोग ले सकते हैं तो कॉपी जो एक्ट है अकॉर्डिंग टू दैट अगर कोई भी पर्सन जो है उसने उसका कॉपी लिया हुआ है तो उसके पास अथॉरिटी है कि वो उस वर्क को रिप्रोड्यूस कर सकता है जैसे कि आप ये सिक्स फाइव पॉइंट्स में आप देख रहे हैं और उसको किसी भी हार्ड या सॉफ्ट कॉपी में उसको स्टोर कर सकता है उसको आ, आप उस सर्कुलेशन में लेकर आ सकता है किसी भी वेबसाइट पे रख सकता है या किसी के भी साथ उसको शेयर कर सकता है और उसको ओपनली वो जो है कम्युनिकेट कर सकता है पब्लिकली और उसकी मूवी बना सकता है और उसको रिप्रोड्यूस कर सकता है उसको किसी भी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकता है और चाहे तो फर्दर उसको मॉडिफाई करके वो और फर्दर उसका प्रोग्रेसिव जो है वर्क कर सकता है बट अगर आप उसके कॉपीराइट ओनर नहीं हैं तब आप ये नहीं कर सकते इन ए सिंपल लैंग्वेज लाइसेंस क्या है लाइसेंस की जब आप इंफॉर्मेशन देखते हैं तो मेजरली जैसे अभी आपने देखा है कि ओपन एक्सेस के लिए जो डिफाइन किया था बी ओ आई ने वो सी सी बाई लाइसेंस डिफाइन किया था तो सबसे पहले आप ये जान लें कि सी सी बाई लाइसेंस क्या है अगर कहीं भी लिखा हुआ है किसी जर्नल पर या किसी भी पर्टिकुलर एक आर्टिकल पर कि वो सी सी बाई लाइसेंस के साथ पब्लिश हुआ है इन दैट केस बेसिकली क्या होगा कि वो जो लाइसेंस है वो जो रीडर्स हैं या फिर रिसर्चर्स हैं उनको क्या अथॉरिटी प्रोवाइड करता है तो यहाँ ये यह जो लाइसेंस है ये बेसिकली एक एक लिबर्टी प्रोवाइड करता है कि आप उस आर्टिकल को या उस इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं राइट right? उसको रिमिक्स कर सकते हैं एडेप्ट कर सकते हैं इट इज़ उसको फर्दर बिल्डअप कर सकते हैं इवन कमर्शियली यू कैन सेल दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इन एनी वे देर इज़ नो रेस्ट ट्रिक्स uh, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस वहाँ पर नहीं लगी होगी तो वो बिल्कुल फ्रीडम है ए काइंड ऑफ फ्रीडम टू द इंफॉर्मेशन तो दैट इज़ द सी बाई लाइसेंस बट देर इज़ वेरी सिमिलर इंफॉर्मेशन इन बिटवीन दिस लाइसेंसिस एंड कॉपी राइट सो यहाँ आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा एंड ऑब्जर्व करना होगा कि जो कंटेंट है उसका कॉपी राइट क्या है उसका कॉपी राइट ऑनर क्या है और वहाँ पर लाइसेंस क्या है सो विद इन दीज टू कॉपीराइट एंड लाइसेंस जो ओपन एक्सेस बिजनेस मॉडल है वो चेंज हुआ है अलोंग विद द आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेज तो किसी भी जर्नल को जब हम डायमंड ओपन एक्सेस जर्नल बोलते हैं बिफोर आई गो इन टू द डायमंड ओपन एक्सेस जर्नल या ओपन एक्सेस जर्नल के जो टाइप्स हैं तो उससे पहले आप यहाँ एक थोड़ी नज़र डाल लें कि जो लाइसेंसेज हैं वो कितने टाइप के हैं सी सी बाई एन सी 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 बाई एन सी एन सी दैट मीन्स नॉन कमर्शियल ये अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा इन अनदर वीडियो आई विल ट्राई टू मेक इट क्लियर कि जो लाइसेंसेज हैं सी सी बाई एन सी या एन डी नॉन डेरीवेटिव एस ए सिमिलर अलाइक हैं तो इन दैट वीडियो आई विल डिस्कस इफ यू आर इंटरेस्टेड अगेन द टाइप्स ऑफ द जर्नल्स यहाँ डायमंड ओपन एक्सेस जर्नल या प्लेटिनम ओपन एक्सेस जर्नल फी पीपल कॉल इट प्लेटिनम

नंबर ऑफ दिफ मॉडल्स जो बिजनेस मॉडल्स हैं इन टू दब्लिस ऑफ जर्नल्स बाई द पब्लिशर सो गोल्ड ओपन एक्सेस है यहाँ ए पी सी एंड लाइसेंस का मतलब ये है कि दे कंसिडर आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेज एंड लाइसेंस रेस्ट्रिक्स इज आल्सो देयर तो वो गोल्ड ओपन एक्सेस जर्नल होगा ओपन एक्सेस है बट देर आर समी लाइसेंसेज अगेन देर देर इज सम आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जिस ऑल्सो ग्रीन ओपन एक्सेस जर्नल देट मीन्स देर इज नो आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जिस बट देट जर्नल इज नॉट सीसी बाई लाइसेंस राइट हाईब्रिड मीन्स देट इज सब्सक्रिप्शन एज वेल एज ओपन एक्सेस जर्नल ब्रॉन्ज रिडेबल लाइसेेंस कंडीशन इज दियर एंड प्लेटिनम ओपन एक्सेस जर्नल मीन्स नो एपीसी बाई लाइसेेंस एंड कॉपी राइट टू दी ऑथर एंड ब्लैक ओपन एक्सेस जर्नल Uh, that means free access to paywall literature. Like right? there is uh, many uh, websites basically which provide the uh, paid article uh, to the uh, readers, right? And th that is called the black open access uh, basically website or kind of uh, the source. So, these are few things basically that uh, I thought that I have to share with you. But uh, in any case, if you find that at some specific point uh, there is a kind of uh, doubt, so in that case basically you can comment or you can ask uh, that information through the comment box. If you feel that uh, this information is helpful and uh, uh, valuable and give the importance to your time, so just like and share with the colleagues and researchers, so at least uh, share with early stage researchers, so they, uh, they basically know about the types of the uh, journals, open access journal. so basically they uh, face the problem when they submit the article into the hybrid open access journal. right, when article get accepted, in the earlier case, they basically, what happened? Uh, they submit the article into the hybrid journal. And they tick on the open access. Earlier, they thought they are not taking any charges, but uh, there are charges for the open access uh, article. So when the article get accepted, they ask for the money, and then there is kind of confliction starts between the author as well as to the uh, journal. So you have to check all these points before you submit the article. And uh, thank you once again for. Uh, your time and uh, for your understanding at this point Jai Hind Jai Bharat